नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। राजस्थान में पॉलिटिकल ड्रामा जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र अपने अपने स्टैंड पर अड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री गहलोत चाहते हैं कि विधानसभा सत्र सोमवार को बुलाया जाए ताकि वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर पाए। वहीं राज्यपाल की दलील है कि उन्हें किसी भी फैसले पर पहुँचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। इस बीच शुक्रवार देर रात तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने विधायकों के साथ सलाह मशवरा करते रहे। इस दौरान उन्होंने कानूनी विकल्पों और सियासी हथियारों पर भी गंभीर चर्चा की। मुख्यमंत्री के सामने अपने कुनबे को एकजुट रखने की चुनौती है। दरअसल अशोक गहलोत को अब डर लगने लगा है कि कहीं ऐसा न हो कि फ्लोर टेस्ट में देरी हो तो दो चार विधायक भी हाथ से निकल जाए। इसलिए वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट करवा कर अपनी कुर्सी को संवैधानिक मान्यता दे दे। शुक्रवार को रात लगभग 10:15 बजे जयपुर में सीएम आवास पर राजस्थान कैबिनेट की मीटिंग शुरू हुई। ये मीटिंग करीब 12:30 बजे तक चली। कैबिनेट की इस मीटिंग का एक ही एजेंडा था कि सरकार को कैसे बचाया जाए। सीएम अशोक गहलोत अब सोमवार से विधानसभा का सत्र चाहते हैं, लेकिन राज्यपाल कलराज मिश्र कोरोना संकट और संवैधानिक प्रावधानों के अध्ययन का हवाला देते हुए थोड़ा वक्त मांग रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की बैठक से पहले विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र ने सीएम को 6 बिंदुओं पर जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने गहलोत सरकार से पूछा है कि अगर उनके पास पहले से बहुमत है तो विधानसभा सत्र बुलाकर बहुमत परीक्षण क्यों चाहते हैं। राजभवन ने शुक्रवार शाम को ये पत्र सरकार के पास भिजवाया था। मुख्यमंत्री आवास पर करीब 2.5 घंटे तक चली बैठक में यही मुद्दा छाया रहा। राज्यपाल ने राज्य सरकार को भेजे अपने नोट में कहा कि कोई भी संवैधानिक दायरे से ऊपर नहीं है और दबाव की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बयान के मुताबिक राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा, राज्य सरकार ने 23 जुलाई की रात को राजभवन में चिट्ठी दी थी कि शॉर्ट नोटिस पर विधानसभा सत्र बुलाया जाए। गवर्नर ने कहा कि उन्होंने कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञों से इस पर सलाह ली है। इसके बाद ही 6 बिंदुओं को उठाते हुए एक नोट सरकार के पास भेजा गया है। अपने नोट में गवर्नर ने कहा कि कैबिनेट नोट में विधानसभा सत्र की कोई तारीख नहीं बताई गई, न ही ये बताया गया कि सरकार ने किस वजह से सत्र बुलाने की मांग की है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में 21 दिन का नोटिस देना जरूरी होता है। राज्यपाल ने सरकार से ये भी कहा कि सभी विधायकों की स्वतंत्रता और आने जाने की आज़ादी सुनिश्चित करे। राज्यपाल मिश्र ने यह भी पूछा कि राज्य में कोविड-19 के हालात को देखते हुए विधानसभा सत्र कैसे बुलाया जा सकता है। बहरहाल राज्यपाल ने साफ निर्देश दिए हैं कि सरकार अपनी हर कार्रवाई में संवैधानिक मर्यादा और जरूरी प्रक्रिया का पालन करे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।